तहसील थाना क्षेत्र में रविवार को घरफोड़ी की वारदात सामने आई है। चोर ने घर से 6,92,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। तहसील थाना क्षेत्र में रविवार को घरफोड़ी की वारदात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इतवारी निवासी फरियादी रविवार की शाम 6 से 6:30 बजे के दौरान परिसर के मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। घर पर उनकी पत्नी और बेटा था। उसी समय एक व्यक्ति ने घर में शिरकत कर घर में चोरी कर दी। चोरों ने घर के लॉकर कबर्ड के लॉकर तोड़कर 22 तोले सोना और 28,000 रुपए के कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी करते हुए जब चोरों को पता चला कि घर पर कोई है तो वे हाथ में जितना सामान आया लेकर भाग निकले। चोर का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस चोर की तलाश कर रही है। ये शाम 6:30 बजे की बात है। कल 1 तारीख को शाम को हम लोग नमाज में गए थे, मगरिब नमाज में। तो इतने में ये हम लोग नमाज के लिए निकले और 10-15 मिनट बाद कोई आया, दरवाज़ा तोड़ा और सीधा घर में घुस गया। और जैसे ही वो गया, वाइफ का मेरे को फ़ोन आया कि घर में से कोई घुस गया है, अब जल्दी आइए। तो मैं आया तो घर में, घर के लॉकर और ड्रॉवर कबर्ड पूरा टूटे हुए थे। नीचे का लॉक वगैरह, मेन गेट वगैरह सब टूटा हुआ था नीचे। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो तो उनका गला का कि घर खाली है इसलिए घर तोड़ के घुस गया हो। जब मालूम पड़ा कि घर में कोई है, एक कोई है, तो बस वो जैसे जो हाथ में आया वो ड्रॉवर में था, दोनों पैकेट लेके थैली में भर के धक्का मार के निकल गया हो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।